विनफास्ट लाने जा रही है धानसू इलेक्ट्रिक स्कूटर, डिजाइन पेटेंट हुआ लीक, इन शानदार फीचर्स से होगी लैस। इलोन मस्क की टेस्ला, टेस्ला की प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाली वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी विनफास्ट विनफास्ट ने बीते 10 मार्च को तमिलनाडु में अपने इलेक्ट्रिक वाहन एफ निर्माण प्लांट की शुरुआत की है। भारतीय बाजार में प्रवेश के साथ ही कंपनी यहां इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में कंपनी ने क्लारा एस स्कूटर के लिए भारत में डिजाइन पेटेंट रजिस्टर्ड कराया है। रिपोर्ट की माने तो विनफास्ट क्लारा एस आधुनिक फीचर्स के साथ ही स्टाइलिश लुक में आएगी। इसमें आपको ऑल लेड लाइटिंग और बड़ी सीट की सुविधा मिल सकती है। साथ ही इस ईवी में 3G ब्लूटूथ और GPS कनेक्टिविटी की भी सुविधा दी जाएगी। नया डिजिटल स्क्रीन स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आएगी। इसके माध्यम से बैटरी मॉनिटरिंग से लेकर GPS और राइड हिस्ट्री तक सवार को पता चल पाएगा। इसके अलावा ब्रेकिंग के लिए फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक की सुविधा दी जाएगी। पावर ट्रेन की बात करें तो क्लारा एस में एक हब मोटर और क्षमता वाली लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी दी जा सकती है। ये बैटरी सिंगल चार्ज पर 194 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम होगी। विनफास्ट क्लारा एस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर घंटा हो सकती है। वहीं इस स्कूटर का वजन 122 किलोग्राम, बूट साइज 30 मीटर और सीट की ऊंचाई 760 मिलीमीटर होगी। बता दें कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की वियतनाम में कीमत लगभग 1.18 लाख रुपए के आसपास है। बता दें कि विनफास्ट वियतनाम की एक प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी है। चीनी कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स BYD के बाद विनफास्ट भारत में प्रवेश करने वाला दूसरा प्रमुख एशियाई ईवी ब्रांड है। रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु में विनफास्ट एफ विनिर्माण सुविधा लगभग 3,500 नौकरियां पैदा करेगी। फैक्ट्री की शुरुआत में प्रति वर्ष लगभग 1,50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता होगी। पहले 5 वर्षों में स्थानीय स्तर पर ईवी और बैटरियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।